मुझे लगता है उससे जाकर बात करनी चाहिए, लेकिन फिर सोचता हूँ। मैं कहता हूँ हमें बात नहीं करनी चाहिए उससे। वो लड़की एक बैड लक है, जिसके पास भी जाएगी उस पर मुसीबत आएगी। तुम उसकी दोस्त थी ना, जाकर अपनी दोस्त से बात नहीं करोगी? एक्चुअली सही कहा तुमने। अरे ये तो सच में चले गए, मैंने तो सार्केस्टिकली कहा था। वो भी उसी वजह से गई होगी। कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूं, बहुत बुरा लग रहा है वीनस। नेचुरल है, क्या ये सब होने का कोई कारण था क्या? क्या? जिस रात सेलिम मरा उसने बताया था तुम उससे बात नहीं कर रही थी। मतलब वो तुम्हें ऐसा कुछ क्यों बताएगा? क्योंकि वो अपसेट था सुले, क्योंकि लोग अपसेट हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मत करो, सच सुनना तो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता है ना। अच्छा, और सच क्या है? सच ये है कि अगर तुम उस रात उस कार में नहीं बैठती तो सलीम आज मरा नहीं होता। और अब ये रोने का नाटक करके अपनी गलती पर पर्दा मत डालो, ओके? मैं सबसे ज्यादा दुखी तो मैं हूँ इस वक्त। सलीम मेरा बॉयफ्रेंड था वीनस, मैं उससे प्यार करती थी, और अब तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। किसी पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। मैंने मेरा बॉयफ्रेंड खोया है वीनस, जाहिर है सबसे ज्यादा मैं ही रोऊंगी, क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसे, समझे तुम? बदकिस्मती से तुम इस बार विक्टिम नहीं हो सुले, कोई मर गया है। और प्यार की बात है तो कितना ज्यादा प्यार था ये अभी नहीं पता चलेगा सुले, क्योंकि वो बात तो अब अतीत बन गई है और तुम इस बात को नहीं समझ पाओगी।